महागठबंधन सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा कि पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, 17 पार्टियां यहां आ रही हैं, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। मांझी अपनी दुकान चला रहे हैं, छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा है। उन्होंने मांझी को पार्टी के विलय करने की बात कही थी, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार जीतन राम मांझी और संतोष मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया, वहीं उनके बेटे को मंत्री बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने डॉक्टर सुमन कुमार को अपने कोटे से एमएलसी भी बनाया, इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि उन्हें यहां सम्मान नहीं दिया। हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे, लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पर चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते नहीं है। अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी ये वो बता सकते हैं। तो महागठबंधन की इच्छा उनकी थी, आप महागठबंधन थी, इच्छा छोड़ने की उनकी थी। हमारे पास तो उनके पत्र की कॉपी है जिसमें उन्होंने जो ललन बाबू ने कहा कि वो निजी कारणों से अब मुख्यमंत्री जी के साथ चलने में असमर्थ है, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसको वो स्वीकृत हो गया, मतलब वो अब मंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को जब लिखा कि वो निजी कारणों से अब साथ नहीं चल सकते हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन में भी नहीं है। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक के पहले बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कुछ नए चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। आरजेडी कोटे के दो मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिक सिंह के इस्तीफे के कारण दो पद खाली हैं, तो वहीं संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद से एक पद और खाली हो गया है। इसके अलावा कांग्रेस भी अपने कोटे से और मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर ललन सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की गोलबंदी कर रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए 18 दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में से 10 दिन पहले बिहार की महागठबंधन सरकार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक मंत्री का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में जिस तेजी से गर्मी पड़ रही है उसी तेजी से राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी ने अब नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मंत्री हैं संतोष सुमन, उन्होंने नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। देखिए किस वक्त मौजूद हैं हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर और देखिए कि यहाँ पर अमूमन इस वक्त शांति छाई रहती है, लेकिन राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। महागठबंधन के कई नेता जो हैं वो अंदर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिहार में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदली है और वो भी तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजी से विपक्षी एकजुटता की मुहिम को आगे चला रहे हैं और 23 जून को विपक्ष की महाबैठक होने वाली है, उसके ठीक पहले उनके एक महत्वपूर्ण साथी जीतन राम मांझी ने अब उनका साथ छोड़ दिया। देखिए कि सीएम आवास से एक एक कर गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकल रही हैं और तमाम जो महागठबंधन के नेता जो हैं वो
सुंदर रणनीति बना रहे हैं। और देखिए कि ये गाड़ी जो है इसमें तेजस्वी यादव, अभी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार, ये निकल कर जा रहे हैं। तो बिहार में काफ़ी तेजी से राजनीति घटनाक्रम जो है वो बदल रही है। एक तरफ तो मौसम तल्ख है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजनीति उससे कई गुना तल्ख हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि उनकी पार्टी को विलय करने का दबाव जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा था और यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो अस्तित्व विहीन होकर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे आने वाले समय में जीतन राम मांझी कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में राजनीति जो है वो एक बार फिर से नए सिरे से करवट ले रही है। और देखने वाली बात होती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर इसका क्या कुछ असर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, पटना।